हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुलसी माला के साथ हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र को कैसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, और जिन लोगों को मैंने रिकमेंड किया उनके साथ भी ये चीज़ें सक्सेसफुल हुई हैं, तो मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र पे बनी हुई है, तो प्रोसीजर सारे सेम ही रहेंगे, बट यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे मंत्र को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको तुलसी माला पहननी है, तो उस तरीके से आप तुलसी माला पहनेंगे। और हाँ, ये मैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की बात कर रही हूँ, ना कि क्लीम मंत्र की बात कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आप संकल्प लेकर जैसा मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है उसी तरीके से सेम करना है। आप किसी भी थर्सडे को आराम से ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए सामने किसी पात्र में गंगा जल, और उसके अंदर गंगा जल नहीं भी अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी लीजिए, उसको चार्ज कीजिए, उसमें तुलसी की पत्ती डालिए, और फिर उसके बाद आप तुलसी की माला के साथ ओम क्लीम कृष्णाय नमः जप करें, और उसके बाद गले में तुलसी भी धारण करें। ध्यान रखें कि जितने दिन भी आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप कर रहे हैं, नॉन वेज से दूर रहें। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या फ़ायदा होता है जब आप तुलसी माला पहन कर जप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोगों ने ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र किया होगा वो जानते हैं कि तुलसी माता कृष्ण भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, और जब आप उनको धारण करते हैं तो आपके जो थॉट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। थॉट्स तो चेंज होते ही होते हैं, प्लस आपके अंदर गुस्सा वगैरह कम हो जाता है। क्या होता है, कई बार मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लोग कहते हैं कि जब वो जाप करना शुरू किए हैं तो उनके अंदर गुस्सा आ रहा है, या कुछ मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं जब आप तुलसी माला पहनकर जप करते हैं। इस मंत्र को आप अगर किसी भी एकादशी से, बस ध्यान रहे कि पितृपक्ष वगैरह ना हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो तो बहुत ही अच्छा है, इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी से स्टार्ट करें, या फिर अगर एकादशी दूर है और आप जप करना चाहते हैं तो आप किसी भी थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये बेस्ट टाइम चल रहा है, आप कभी भी स्टार्ट कीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, आपकी जो विश रहेगी उसको आप हो सके तो एक पेपर पे लिख करके कान्हा जी के फ़ोटो के पीछे भी रख सकते हैं, ऐसा करने से भी आपकी विश जल्दी अट्रैक्ट होती है आप तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम थोड़ा सा बेडरूम में चेंज अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, लाइफ में चेंज। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम चीज़ों को आसान कर सकते हैं बस थोड़ा सा चेंज ला करके। और ये जो मैं आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हैं हमारी तुलसी माता, और मैं आपको ये भी बता दूँ ये श्यामा तुलसी हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन। राधे राधे, हर हर महादेव।